नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शुक्रवार ज्येष्ठा नक्षत्र दिन में 11:30 बजे तक लगा रहेगा। तत्पश्चात मूल नक्षत्र लग जाएगा जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर धनी सुख सुविधाओं से युक्त बुद्धिमान और मिलनसार होते हैं। ऐसे जातक ईमानदार खुश रहने वाले अच्छे सलाहकार और दूसरों को सम्मान देने वाले होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की अभूतपूर्व क्षमता अनुशासन प्रिय और नियम कानून को मानने वाले होते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगे रहना और स्वतंत्र विचारधारा वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल बृहस्पति और केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दिन में 11:30 बजे तक वृश्चिक राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात धनु राशि में आ जाएंगे। आज से 2.5 दिन तक चंद्रमा के साथ मंगल और शनि की युति कायम रहेगी जिसमें हर जातक पर इसका न्यूनाधिक प्रभाव पड़ेगा। जिन जातकों का समय शुभ और अनुकूल चल रहा है उसके साथ शुभ फलों में कमी आएगी और जिसका समय पहले से ही गड़बड़ चल रहा है तो उसके अशुभ फलों में भी और वृद्धि संभावित है। इस अवस्था में मनोदशा सबसे अधिक प्रभावित होती है, अतः धैर्य और संयम से काम लेते हुए दिनचर्या को व्यतीत करना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए दोपहर के बाद स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बढ़ने लगेगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर मन मुताबिक काम हो सकता है। एक काम को करने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करने की जरूरत पड़ सकती है। भाग्य की गति धीमी महसूस होगी। आर्थिक मामलों में लाभ की स्थिति अपेक्षा से कम संभावित है। उत्साह और कार्य ऊर्जा प्रभावित रहेगी। मधुर संबंधों में कमी और पैर के घुटनों में तकलीफ संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा। अध्ययन अध्यापन में लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम अधिक करनी पड़ेगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं और सीढ़ी चढ़ने उतरने और चलने फिरने में भी सावधानी बरतें। धैर्य और संयम बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र की गति धीमी पड़ सकती है। दृढ़ निश्चय और कार्य ऊर्जा प्रभावित होगी। निजी संबंधों में तनाव और अनचाहे यात्रा का योग बन सकता है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। आजीविका से संबंधित कार्यों में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और अधिकारियों के सहयोग में कमी संभावित है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी मगर हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी मगर उत्साह प्रभावित रहेगा। साझेदारी के प्रस्ताव सामने आएंगे मगर हर काम संपन्न होने में दिक्कत होगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और आपसी संबंध प्रभावित होंगे। कमर में जकड़न और पेट संबंधी दिक्कतें संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और मन मुताबिक काम होंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की प्रेरणा बनी रहेगी मगर उत्साह और कार्य क्षमता प्रभावित रहेगी। नए प्रस्ताव और नई कार्य योजनाओं के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। पाचन तंत्र और पेट के निचले हिस्से में जटिलताएं संभावित हैं। ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक परेशानी का अंदाजा देर से लगता है। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं होंगे। मित्रों और संबंधियों से तालमेल बिठाकर रखना उचित होगा और हर काम में नकारात्मक विचारधारा और विषाद की स्थिति संभावित है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास मन मुताबिक बना रहेगा मगर कार्य क्षेत्र में पहल करने की मानसिकता में उतार चढ़ाव संभावित है। किसी को समझाने और प्रभावित करने में मशक्कत करनी पड़ेगी और कार्य योजनाओं के निष्पादन की दर प्रभावित होगी। कमर और पेट संबंधी सावधानी बनाए रखें। खान पान संतुलित रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और सहयोग मिलता रहेगा।
और निजी संबंधों में सावधानी बरकरार रखें। कन्या राशि वाले जातकों को आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। दोपहर के बाद का समय नए प्रस्तावों और निजी संबंधों को प्रभावित कर सकता है, मगर आप अपने पेश आने के तरीके और वाणी की मधुरता से मामले को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। नई कार्य योजना और निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। सांसों से संबंधित दिक्कतें और पेट संबंधित दिक्कतें संभावित हैं। यदि किसी को पहले से हृदय संबंधी परेशानी चली आ रही है तो विशेष सावधानी बनाए रखें। तुला राशि वाले जातकों को ईश्वरीय प्रेरणा का सहयोग बना रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम से काम लें। आपके प्रयासों में सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ इच्छा शक्ति शामिल रहेगी, मगर मनोदशा को प्रभावित ना होने दें, अन्यथा सारे कामों में अड़चनें आने लगेंगी। कार्य क्षेत्र की सफलता आपके मानसिक ऊर्जा स्तर के ऊपर निर्भर करेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक होता रहेगा और निजी संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और सहयोग मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि परिस्थितियों की नजाकत को ध्यान में रखते हुए धैर्य और संयम से काम लें। परिस्थितियों के अनुसार मानसिकता में सुधार और वाणी में मधुरता कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का काम कर सकती है। आवश्यकतानुसार अपने कार्य क्षेत्र में विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने में सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं होंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आँखों की एलर्जी व कान से संबंधित दिक्कत संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा, मगर संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी और वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि वाले जातकों को आर्थिक लाभ और कार्य क्षेत्र से संबंधित उचित दिशा निर्देश की प्रेरणा मिलती रहेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर त्वरित भावावेश में आने की मानसिकता संभावित है। देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र की पहल जारी रहेगी। नवीन कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और मन मुताबिक काम होने की संभावना बनी रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और अपने सामान के प्रति सचेत रहें। मकर राशि वाले जातकों के लिए व्यर्थ की भाग दौड़, अनावश्यक यात्रा और अनावश्यक खर्च से संबंधित मामले संभावित हैं। आपके कार्य क्षेत्र की सक्रियता में कमी और उत्साह में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। निजी निवेश और साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। एक ही काम के लिए कई बार प्रयास करना पड़ सकता है। विभागीय कर्मचारियों को उसी काम को दोबारा और सुसज्जित ढंग से करने का आदेश भी मिल सकता है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वाहन सावधानी से चलाएं और चिकित्सकीय दिशा निर्देश का पालन करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में और आर्थिक लाभ की स्थिति में थोड़ी देरी या रुकावट संभावित है। हालांकि आपके प्रयास करने की क्षमता और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी और नए प्रस्ताव के लिए सहयोग मिलता रहेगा। फिर भी कुछ काम रुक रुक कर संपादित होंगे। अनावश्यक विवाद संभावित है और निजी संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। मीन राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में संघर्ष और रुकावट की संभावना बनती है। कुछ कामों के बार बार प्रयास करने के बावजूद भी संपन्न ना होने से उत्साहहीनता की स्थिति हो सकती है।
संबंधित मामलों में अनावश्यक खर्च और यात्रा की संभावना भी बनती है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। मन में नकारात्मक भाव ना आने दें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर काम संपन्न होंगे मगर कुछ समय लग सकता है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं और उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।